हेलो फ्रेंड्स, आनंद सुपर 100 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का नए जोश के साथ फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए 40 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है पीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो इस नई सीरीज़ में हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़, जो आपकी तैयारी और ज्ञान को और ज़्यादा बेहतर करने में आपका योगदान करेगी। तो आइए चेक कर लेते हैं कि कौन कितना है तैयार। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना के समय जमींदारों को भूस्वामी मानने से किसने इनकार किया था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी जेम्स ग्रांट, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो या ऑप्शन डी जॉन शोर। सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स ग्रांट। आपको याद होगा कि 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका को लेकर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था और वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे, जबकि ग्रांट के अनुसार समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक नहीं है। कॉर्नवालिस शोर के विचारों से सहमत था। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की, जिसे डायरेक्टरों की स्वीकृति के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% क्षेत्र शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ रिजर्व, ऑप्शन बी अनमलाई बाघ रिजर्व, ऑप्शन सी मधुमलाई बाघ रिजर्व या ऑप्शन डी कालकड़ मुंदुथुरई। सही जवाब है ऑप्शन डी कालकड़ मुंदुथुरई। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कालकड़ मुंदुथुरई है। इसे वर्ष 1988-89 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में या ऑप्शन डी मिजोरम में। सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पर्वतमाला हिमाचल के मध्यम भाग में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में चंबा जिले से शुरू होकर पूर्व में किन्नौर जिले से जाते हुए उत्तराखंड से होते हुए पूर्वी असम तक फैली हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फिलिस्तीन या ऑप्शन डी थाईलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। आइए कुछ समाचार एजेंसी और उनके देश के नाम जान लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत में स्थित है। क्योडो जापान की है। एसोसिएटेड प्रेस यूएसए की है। अंटारा इंडोनेशिया की है। अंसा इटली की है। ITIAM इजराइल, इतारतास रूस और DPA जर्मनी की है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और निम्नलिखित किस देश की सेना के मध्य युद्ध अभ्यास शिन्यू मैत्री का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी जापान। आप सभी को ये याद होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता तथा आपदा रहित कार्य के लिए अभ्यास करना है। इस अभ्यास में जापानी वायुसेना का C-2 एयरक्राफ्ट, एयर क्रू तथा पर्यवेक्षक हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य कहलाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी स्पाइवेयर स्कैम, ऑप्शन सी फिशिंग स्कैम या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई विकल्प नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी फिशिंग स्कैम। कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी एटना या ऑप्शन डी अरावली।
जल्दी से आंसर बताइए, आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी अरावली सही आंसर है। अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है अतः इन्हें घोषित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। अरावली की पहाड़ियां प्रारंभिक पर्वत की केवल चिन्ह मात्र ही रह गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेम्बनाड झील कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल में। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 96 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलापुजा व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को वेम्बनाड झील स्पर्श करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या ऑप्शन डी देवास। सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर। आइए कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स और उनसे संबंधित जिलों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक का काल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष और विघटन का काल माना जाता है। उसके समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और उसके राज्य की सीमा सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई। उसके राज्य में कुल 23 एकता या प्रांत थे। धन्यवाद। इसी तरह मेहनत को जारी रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा अगली टेस्ट सीरीज के लिए।